भ्रष्टाचारियों को सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के अलावा कुछ नहीं दिखता, चाहे वह मासूम बच्चे हों, पीड़ित, दलित या वृद्ध। सिर्फ अपना लाभ देखते हुए सभी नियम कायदों को दरकिनार कर देते हैं। ताजा मामला दुआरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमरोहा टोला तिघरा का है, जहां संचालित विद्यालय के बच्चे को प्रतिदिन सिर्फ पानी में तैरती हुई दाल और चावल मिलता है, जबकि प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब टीम ने उक्त आंगनवाड़ी केंद्र का भ्रमण किया तो बच्चों और शिक्षकों ने बताया कि उन्हें लंबे समय से सिर्फ दाल चावल दिया जाता है। कई बार समूह संचालक से बात की गई लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दाल चावल डेली रोज, नाश्ते में भी कुछ नहीं मिलता, दाल बस, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। रोज दाल चावल खाते हैं आप? साला तिघरा अमरोहा टोला प्राथमिक शिक्षक के पद पर हैं। मैं कई बार समूह जो है अध्यक्ष सचिव हैं उनको कई बार लिखित भी दिया, मौखिक भी बोला और अपने वरिष्ठ कार्यालय में लिखित भी दिया हूँ कि सर वहाँ चावल दाल मिलता है, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें तो हमको हमारा कुछ रोल है नहीं, इसमें हमारा कुछ रोल है नहीं। हम बस शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मैंने ऐसा बना लिया, दे सकते हैं।